हाँ जी, आज मैं आई हूँ मछली लेने के लिए। तो मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ मैं इसकी, मछली की। तो आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि मछली किस तरह से है। ये जो मछली है इसका साइज छोटा है, इसमें कांटा ज़्यादा होता है। इसका क्या रेट है? ये 500 रुपये के जी है। और ये ये थोड़ी साइज़ में उससे बड़ी है, ये 580 है। और ये मछली जो है ये सबसे बड़ी है, ये इसका रेट है 650। ये 650 रुपये है। इसमें थोड़ा कांटा कम होता है तो मैं इसलिए यही मछली परचेज करती हूँ। तो ये आपने देखा है कि ये सारी मछलियाँ हैं कांटे के हिसाब है, यानी कि बारीक कांटा होता है इसमें। ज़्यादा बारीक कांटा नहीं खाया जाता, मुँह में आता है, तो मैं इसलिए बड़े वाला जो पीस होता है वो लेती हूँ। तो मैं अब ये बड़े वाला ही पीस खरीदूँगी। बोलते जाओ ना कि अब मीनू लग रहा है क्या है। देखिए मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, आज हम मछली फ्राई की रेसिपी, तवा फ्राई जिसको बोलते हैं, तवा फ्राई की रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ। डीप फ्राई की इंशाल्लाह मैं आपको बाद में दूंगी। मछली को नमक, अजवाइन और इमली का पानी लगा के 4 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद 4 घंटे के बाद मैंने इसको वॉश किया है और इसको ड्राई कर दिया था। इसका पानी आप देखें अच्छी तरह से निकल गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पे हमने कौन कौन से मसाले लगाने हैं और इसको हम किस तरह से फ्राई करेंगे। जी, सबसे पहले ये देखें मेरे पास लहसुन है। लहसुन मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया। अब सबसे पहले इस पे हम लहसुन अप्लाई करेंगे मछली के ऊपर। सब पीसों के ऊपर आपने अच्छी तरह से लहसुन लगा लेना है। ये ले जी लहसुन, अब हमने लगा लिया है। इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पे हमने लहसुन इसी जो लगा दिया उसी को वो हमने बैलेंस कर देना, यानी कि सेपरेट अलहदा से फिर पीछे नहीं लगाएंगे, इसी को मिक्स कर देंगे। हाँ जी, इसी तरह से ही मिक्स कर लेंगे। अब लहसुन को तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं लगा के लहसुन को। यहाँ पे जी 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून अजवाइन। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। रोस्ट क्यों करना है? ताकि इसमें जो नमी है वो खुश्क हो जाए और हमें कूटने में मसाले को आसानी हो जाए। जैसे ही हल्की सी अजवाइन की खुशबू आना शुरू हो, आपने इसकी आग जो है, फ्लेम जो है, वो बंद कर देनी है। अब इसको हमने प्लेट में निकाल लेना है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ये हल्दी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ये सुरख मिर्च डालूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। हाँ जी, अब इस मसाले को हमने मोटा मोटा जो है वो ग्राइंड कर लेना है। हाँ जी, मसाला हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसको इस तरह से एक साइड पे डाल लेंगे। ये आप चेक करें मछली का मसाला कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब मछली का एक एक पीस लेते जाएंगे और इस तरह से मसाला उसके ऊपर लगाते जाएंगे। अच्छी तरह से चारों साइडों पे आपने लगाना है और इसको साइड पे रखते जाएंगे। ये जी आपने अच्छी तरह से मसाला लगा लेना है और खुशबू इस मसाले की ऐसी कमाल की आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं। इस जायके में भी उतनी ही मज़े की होती है जितनी खुशबू इसकी मज़े की है।
ड्राई लगाने का मकसद है कि मसाला बहुत अच्छी तरह से लग जाता है, इसलिए मैं ना इस पे हमेशा ड्राई मसाला लगाती हूँ। ये ले जी मसाला मैंने लगा दिया मछली को। ये ले जी अब जो मेन चीज़ है वो किन्नू है, तो अब हमने क्या करना है, किन्नू काट लिया है और मैं बताती हूँ आपने किन्नू को क्या करना है। ये देखें ये बीज इसके निकाल लें पहले ये अच्छी तरह से, और ये देखें इस तरह से, ये जी किन्नू और जो मछली का सीज़न लाहौर में आता है वो इकट्ठा ही आता है, और ये जो किन्नू जायका देता है ना, ये आप सोच नहीं सकते हो। और नींबू लगाते हैं, लेकिन मैं हमेशा जब भी सीज़न की मछली बनाती हूँ तो मैं इसको किन्नू लगाती हूँ, और इसका मज़ा ऐसा मज़े का हो जाता है ना कि आप बाज़ार की मछली भूल जाओगे। तो ये किन्नू मैंने हाफ, मेरे काफ़ी था तो मैंने हाफ इसके ऊपर से इस निचोड़ दिया इसको। अब इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए इसी तरह से, ये देखिए आप मछली का मसाला चेक करें कि हिला भी नहीं है, वो जहाँ था वहीं का वहीं चिपक गया है। तो इसको 2 घंटे के लिए रखते हैं, तो 1 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। कहीं मत जाइएगा अगर आपने मछली फ्राई, मछली तवा फ्राई मछली खानी, मज़ेदार किस्म की मछली खानी है, तो मेरे साथ ही रहिएगा। हाँ जी, तो बड़ी मज़े की ना आज मछली बन रही है, फुल मसाले वाली, और साथ में ना मेरा दिल चाह रहा है कुछ चटपटी सी चटनी हो, तो आज ना वो बनाने लगे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, आके देख लें। ये धनिया ले लेंगे चटनी के लिए, थोड़ी सी हरी मिर्चें ले लेंगे, थोड़ा सा पुदीना ले लेंगे। तो लो जी अब चटनी तैयार कर लेते हैं। आजते फुल चस्के चस्के, मज़े ही आ जाने। क्या की है? वाह, खाली मिक्के ते काली थी, मिक्के काट के ते मैंने दे रही। हड्डियां तो खा, रहने दे यार, मैं बाद में खाऊंगा, मैं खाता हूँ बाद में। उसमें छोड़ा क्या यार, गोश मैंने खा लिया, हड्डियां ले पा ले खा यार। नहीं मैं यूं चटनी ला रहा हूं, ऐसे पा दिया हड्डियां। नहीं तू हड्डियां ना उठे, मैं अच्छा मैंने पता लग गया जो जिन्हें मैंने हड्डियां पानी है ना, मैंने सारी समझ आ रही है। ला ले मैंने चटनी बना दी, ऐसे पा दिया। लाले शाह साहब ना अभी ना क्या खा के बैठे हैं, ये मटन का वो हल्की सी ग्रेवी खा के बैठे हैं, पाका मारे पाए रहे हैं और रेसिपी हम डाल रहे हैं किसकी, मछली की। आप टशन इसके देखें कि 3-3 टाइम की इसकी चीजें चेक करें, मटन खा लिया पाए चढ़ाए हुए और मछली की। यार कुछ बंदे नु मौसम चेंज हो गया, कमजोरी भी अंदर हो गई होती है, बंदा जरा की हो गया थोड़ा जी खा ले यार, की हो गया चटनी बना दे। ओके बना, तो बना ले, तो मैं तू कि नहीं मेरी हेल्प है तोड़ी हूं। ले जी ये धनिया डाल लेंगे, ये मिर्चें डाल लेंगे, और ये थोड़ा सा पुदीना। ले जी एक प्याली दही लेंगे, और ये चेक करें जरा साथ, ये जो हम लोगों ने मिंट की चटनी बनाई है ये, ओहो अपनी जितनी आपको ज़रूरत है आप उस हिसाब से डाल लें। ये हसबैंड ज़रूरत नमक डाल लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये चीज़ ये आप चेक करें, क्या ज़बरदस्त, ये देखें कितनी ज़बरदस्त चटनी बनी है, वो मज़ा आ जाएगा मैं तो कहता हूँ मछली के साथ। ये ले जी एक तवा दम वाला मैंने ले लिया है, इसके ऊपर ये हम थोड़ा सा गहरा वाला बर्तन लेंगे, क्योंकि जो मछली फ्राई होती है वो थोड़ा मोटा बर्तन उसके लिए चाहिए, तो मैंने इसलिए ये डबल बर्तन रख लिया है। और ये सरसों का तेल, हाँ जी अगर आपने मज़ेदार मछली खानी है तो इसको सरसों के तेल में बनाइएगा। तेल ऑयल और घी के अंदर इसका, मुझे जायका नहीं पसंद है,
जो करारी और ऑथेंटिक जो मछली का टेस्ट रहता है ना, वो इस सरसों के तेल में आता है। और हमेशा मैं जो मछली फ्राई करती हूँ वो सरसों के तेल में करती हूँ। और दूसरी बात, आपको जो बर्तन चाहिए होता है वो थोड़ा मोटा बर्तन चाहिए। ये इतना मोटा नहीं है बर्तन, इसलिए मैंने इसके नीचे तवा रख लिया है। तो और थोड़ा डीप भी बर्तन चाहिए। मछली को हमने तकरीबन 4 घंटे हो गए मसाला लगाए हुए, 4 घंटे रख दिया था। जब तक ये तेल गर्म हो रहा है, मैं आपको बता दूँ, ये मछली आप ओवरनाइट भी रख सकते हो। आप इसको मसाला लगा के फ्रिज में रखें, फ्रीज़ ना करें। जहाँ पे ये चीज़ें फ्रीज़ होती हैं वो जायका ख़त्म हो जाता है। आप 3-4 दिन, 1 हफ्ता भी, ये जो मौसम जा रहा है ना, 1 हफ्ता भी आप ये मछली फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। अब तेल को गर्म करना बहुत ज़रूरी है। और कैसे गर्म करना है वो मैं, जैसे ही इसका धुआँ निकलना शुरू होगा, नीले रंग का आपको धुआँ नज़र आएगा, इसका मतलब है कि तेल हमारा पक चुका है। आपने कच्चे तेल में मछली नहीं डालनी। ये छोटी छोटी सी मेरी टिप है, मैं लेक्चर तो देती हूँ, बास लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है कि ये छोटी छोटी टिप ही आपकी काम आती है। ये देखें जी, तकरीबन 10 मिनट लगे हैं, आपको सरसों के तेल का कलर चेंज नज़र आ रहा होना है। पहले ये डार्क था, अब ग्रीन टाइप का ये हो गया है, इसका मतलब है, और ये इसमें से धुआँ निकल रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। हाँ जी, अब हम मछली फ्राई करेंगे। मछली की स्किन वाली साइड आपने पहले नहीं डालनी, आपने ये वाली साइड पहले डालनी है। जी, मैं ये गोश्त वाली जो साइड है वो मैं डाल रही हूँ। हाँ जी, फ्लेम जो थी मैंने पहले हाई पे इसको किया, गरम किया, उसके बाद मैंने इसको स्लो कर दिया, मीडियम टू स्लो कर दिया है। आपने इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे बनाना है, नहीं तो मछली आपकी जल जाएगी और अंदर से वो जो बिल्कुल सफ़ेद वाली मछली होती है वो आपकी लुक नहीं आएगी। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे बनाना है, मीडियम पे। स्किन वाली साइड पे मैंने क्यों नहीं डाली, अगर मैं स्किन वाली साइड पहले डाल दूँगी तो जो स्किन है आपकी वो इसके पेंदे के साथ चिपक जाएगी, स्किन आपकी ये उतर जाएगी। इसलिए हमेशा जब भी आप मछली डालें, गोश्त वाली साइड डालें और जो स्किन वाली साइड है वो ऊपर रखिएगा। मज़ेदार मछली बनती है, छोटी छोटी सी टिप होती है, सब बहुत अच्छी। फिर हमेशा वही मेरा होता है कि सब बहुत अच्छी बनाते हैं, सिर्फ जो मेरा तरीका होता है, जिस तरह मैं छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैं जो मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आप लोगों के काम आ जाए। अगर आप इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर बनाएंगे, यानी कि मीडियम ही हो जाती है, तो ये एक क्रिस्पी क्रिस्पी जो मछली होती है ना वो बनेगी और खड़ी खड़ी रहेगी, टूटेगी नहीं। ये आप देखें किस तरह इसकी फ्लेम आपको नज़र आ रही है, यानी कि घी पकता हुआ। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्लेम इसकी नीचे कितनी है। और जैसे ही एक साइड कम अज़ कम 5 से 7 मिनट लगेंगे, एक साइड जैसे ही ब्राउन होगी तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आपको जो ऑयल का चेंज कलर नज़र आया ग्रीन वाला, ये कॉपर का बर्तन है, और यानी कि ये सफ़ेद इसका कलर उसमें आ जाता है ना वाइट में। हो सकता है आप उसमें बनाओ, नॉनस्टिक में बनाओ या किसी और बर्तन में बनाओ, तो आपको ये वाला ग्रीन कलर होता हुआ नज़र ना आए। ये बर्तन पर डिपेंड करता है, लेकिन आपने फिक्रमंद नहीं होना कि आपका लीना ग्रीन हो गया था, हमारा क्यों नहीं हुआ। ये बर्तन पे भी डिपेंड करता है, अगर ब्लैक बर्तन है, आप ब्लैक तवे पे किसी पे बना रहे हो, तो आपको ये कलर नज़र ना आए। ये मेरे पास कॉपर का है, कलर लाइट है, इसलिए इसका कलर जैसे ही वो गर्म हुआ है वो ग्रीन नज़र आना शुरू हो गया। ये यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि मोटे बर्तन का जो फ़ायदा है, ये देखें मैं मछली उठा रही हूँ, ये चिपकी नहीं है कहीं से भी। अगर मोटा नहीं होगा, बारीक बर्तन ये लग जाता है, आप कोई भी फिश उठा लें ये चिपकी हुई नहीं आपको नज़र आएगी। और यही मोटे बर्तन का और जो सही तरीका है मछली को फ्राई करने का, वो यही सही तरीका है। ये लें जी, 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन इसको एक साइड पे, अब इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे।
आप मछली की शक्ल चेक करें। चिदाता लग गया यार, चिदाता लग गया। बिल्ली नो खुशबू आ गई मछली। मैं कहना यार मेरी गाल सुन, इधर नाल उतर रख दे जरा। हो गया शुरू यार, मेरी गाल सुन। हां नहीं शुरू हो गई यार मेरे, वो मछली पक जानी है नाल दे नाल खड़े असरा दे यार। यार की होएगा रे ना यार, की होएगा तू देख सही हो नहीं होता की यार। हमेशा ना, हमेशा तेरा कोई ना कोई करतब ना वखरा ही होता है, समझ आई? कुछ नहीं होता लाली, ये चेक कर, चेक कर, ए चेक कर नान का कलर, चेक कर रहा है, ए देख ऐसा जरा थोड़ी देर रख दे यार। नान भी तले हुए खाने, मसाले वाले खाने में नान। चल हो गया यार, हो गया ही, रख दे अरे, रख दे, हो गए बड़े बस ठीक है। साइड चेंज ना करा। नहीं नहीं नहीं, साइड नहीं चेंज करनी, वन साइड उठे रखना बस। कोई कोई साइड लाल करी थी, ये वो सब्र कर, वो जरा मछली का मसाला लगे है ना, सब्र कर जरा दिखा। कि पागल हो गए हैं यार? नहीं तू, तेरे पता ही नहीं यार, अपना यार प्लान है दे यार, चेक कर यार, लाले चेक कर, बड़ा कीमती मसाला है यार, है वेग नान नु इंज ना, है नान चेक करो सॉफ्ट सॉफ्ट, इनु इंज ही रखे ना ते, ऐ देख यार शदादे, इंज इंज ले हुन, ऐ देख हुन जेड़ा मजा आ रहा है लाले, हुन चेक कर, ए वेग लाले लाले, ए चेक कर लाले, सबर कर रख देना यार, इंज ए मैं कहना फुल मसाले इंज जरा इन भी रोक नहीं आते यार। दादे च दादे ए भी पा दे नान, ए भी पा दे, ये छटिया फूका मार रहे थे गरम गरम लाते यार, दिल कर तेन मेरा ख्याल है कच्ची देनी पेगी, क्योंकि तू मेरी जान नहीं छड़नी, मैं तेन कच्ची मच्छी काट के दे देनी है। यार तेरा हमेशा तू ऐसा ही करनी मेरे नाल, चल हो गया। ले जी इसकी मैंने दोबारा से साइड बदल दी है, और 10 मिनट एक साइड से, 10 मिनट एक साइड से मैंने पका के अब तकरीबन 2-3 मिनट जो स्किन वाली वो गोश्त वाली साइड है आप दोबारा से उसको फ्राई करेंगे। लाले पक गई, लाले तेरे की दसा, गर्मा गर्म उतो नान, केड़ा नान फड़ा, केड़ा मसाले वाले फड़ा लाले, लाले नहीं पहन लगी ओ लाले यार, मैं केना बोलिया नहीं जा रहे, ओए 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 यार सब्र कर लेना, ओए 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 लाले मैं, ओए यार की फुल गर्मा गर्म, मैं कहता साथ में जरा इसको थोड़ा सा सड़ गया, सड़ गया साथ में यार, ऐ चेक कर, मैं कहना यार, ओए 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 जिसे कहते हैं यार मसाले वाले नान, ये चेक करो यार, ये कंडा चंडा तो नहीं गा, कोई नहीं लग तो नहीं रहा, फाड़ी लो यार, ओए 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 सड़ गए तुम्हें फुल, थोड़ा जहा तोड़ के चेक करिए, ओए ओए क्लियर है गई, कोई कंडा नहीं यार, मैं कहना चला ही अंदर, ओए ओए थोड़ी जी और पा रही है, सफर करो, ओए 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 सड़ गया, सड़ गया तू, सड़ गया, मैं कहता हूँ ओए 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 हूँ जरा मजा आना ना, ओए ओए एंड होने लगा जे, एंड ही होने लगे, ओए 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 इसे खाने दे,
क्योंकि मैं बड़े आराम से खाती हूँ, मुझे कांटे का प्रॉब्लम होती है कि मेरे गले में ना फंस जाए, इसलिए ये खा रहा है तो मैं आराम से बना के स्पून के साथ खाऊंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने एक दफा ये वाली रेसिपी ट्राई कर ली ना, आप दोबारा कहीं इस रेसिपी के अलावा जाएंगे। सारे तूफान मुकदे नहीं नाले एंड और सरसों के तेल का जायका जो आता है ना, वो आपको ऑयल में नहीं आएगा, जो जायका ये वाली मछली आपको दे जाएगी। आराम से खा ले, अगर गले में फंस गई ना उसे क्यों नहीं खींच रही है तो नहीं यार, तू पहले अपनी खा ना, समझ आई हूँ यार, यार कोई गल नहीं, तीन के मेरी तीन करनिया तो चार से पूरियां करना। एल एल तू खा, स्पेशल बाइट है नहीं तो बड़े कर स्पेशल बाइट है। लो जी स्पेशल बाइट बाइट, मैं कहता हूँ बता नहीं सकता आपको यार, ओए लाले फुल मैं आए 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 की तुए निकलते मैंने, ओए होए 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 होए। ये देखें इसकी स्किन जो है वो कायम है, नहीं तो स्किन हमेशा जल जाती है अगर आप पहले ये वाली साइड डालें। ओए इनु इस तरह दिखाई दंदा ए दे चिपक जाती है, उतर जाती है। हुन मैं कहना ना स्किन भी फड़ने यार लाले, आए हाय हाय की स्किन आई है तले लाले लाले, पहले इन मसाले नु तोड़िए ना, आए हाय स्पेशल बाइट है ये थोड़ी स्किन भी होनी चाहिए यार, ऐ क्रिस्पी स्किन यार, ओए 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 इसको ऐसे ऊपर रखे। और मैं कहता हूँ और साथ में ना ओए ओए ये जो ये चीज ये ओए ये चीज ये जो रायता बना ना मिंट वाला, ओए ओए इसके साथ जो मजा आ रहा है ना अब एंड ऑल लगा जाए, ओए ओए ओए। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस जब मैंने मछली को मसाला लगाया मैंने नमक शामिल नहीं किया, क्योंकि चार घंटे आप नमक लगा के अगर मछली को रख देते हैं ना, ये सबसे बड़ी टिप है कि आपको मछली में मसाला वो नमक दोबारा मसाले में लगाने की जरूरत नहीं है। आपने नोट किया उन्हें कि मसाला जो मेरा है मैंने उसमें नमक नहीं डाला, और मसाला ये देखे ड्राई मसाला जिस मैं हाथ से ना गरम गरम ला दिया, मैंने बोलन देगा चलना मारिया कर लाले तेरी, ये जो मसाला है देखे लाले गन्नी के ऊपर चिपका होगा, ये मसाला उतना नहीं है जिस वेले उत्ते मसाला चिपकिया है ना, एरा मसाला लाले तू देख ऐसे तरह मछली देते लाले देख तो सही एला तू कितने कितने फैले ही हैं कंडे आदेन आगे है तू है मेरे ना है तू ही है मेरे जगह जगह कंडे बीच बड़े मेरे, तू मच्छी नहीं तू गंदी मच्छी है मेरे मच्छी तेरे वर्गी पूरी मच्छियां नो खराब कर देंगी, और किसी चाइना दे छोटे कादली मच्छी तांगे ना कर ऐ फाड़ ऐ ला तू तू कौन है, मैं नानी में याद आना शार्क और हमें कमेंट करके आपने जरूर बताना कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, चेक कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। वो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पे जाके मुझे फॉलो आपने जरूर करना। ओके बाय, क्योंकि मैं आराम से खाऊंगी, मैं आपको फिर बता रही हूँ मुझे कांटों का होता है, मैं आराम आराम से खोल खोल के मछली को खाती हूँ क्योंकि मेरे साथ एक दफा प्रॉब्लम हो चुकी हुई है। ठंडा हो जाना नान भी, मच्छी भी ठंडी हो जानी लो जी, मैं कहता चेक करो जरा, चेक करो मैं, जरा एक और हो जाए जरा स्पेशल यार।
पूरी डकड़ी ऐ देखो आए 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 दो कंडे यार कर लेते ने लाले ऐ सबर कर लै दे पूरी चली गन्नी ऐ उतना ऐ दे मैं तेन कह रहा तन तंग नहीं करता ऐ लै ओ लाले हूं चेक कर दुए यार चटनी पा के भी दुए नहीं रुकते मेरे तूने ऐसे नहीं सुनना मैं जा रही मैं अच्छा मेरी बात नहीं मैं जा रही हूं तू आपने ना मुझे खाने ये रेसिपी रेसिपी कह रहा हूं ये रेसिपी आपने जरूर ट्राई करनी है यार आज वाकई ना पारो पार सुपर काम हो गया सुपर डुपर हो गया बड़ा डीट और ये आपने ना बहुत ही डीट बंदा है हां लेकिन यार बाबा ऐसे खाना अरे कंधा आ गया It's been a long time I've been waiting for you. I got my feelings up and it's just for you. I just need a little bit of time to breathe in and out. I just need a little bit of time to ease up my mind. All for you.